फ्रेंड्स, हम 10 चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, 10 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, 10 चैप्टर तक, और आज हम 11वां चैप्टर पढ़ेंगे जो लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शंस है। हम पूरा पार्ट नहीं, मतलब पूरा लेसन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है? पार्ट्स में पढ़ते हैं तो थोड़ा सही रहता है, एक साथ पढ़ने पे ना थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है चैप्टर, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, और पार्ट्स में पढ़ेंगे तो समझ भी लेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं देखते हैं। सो मैनी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है? वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तुएं, ठीक है? ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते में वी सी थिंग्स लाइक, हम चीज़ें देखते हैं जैसे बस, कार, साइकिल, पेड़, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। मतलब हम अपने स्कूल के रास्ते में कार देखते हैं, साइकिल, पेड़, जानवर और फूल वगैरह वगैरह, ठीक है? कई तरह की चीज़ें देखते हैं हम अपने स्कूल के रास्ते में। हाउ डू यू थिंक, तुम कैसे सोचते हो? वी सी ऑब्जेक्ट्स, हम चीज़ें देखते हैं। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम, सेम प्लेसेस के बारे में सोचिए रात में, रात के समय में। इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क, अगर ये पूरी तरह अंधेरा होता, ठीक है? वट विल यू सी, तुम क्या देखते, तुम क्या देखोगे? वट विल यू सी, सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, मानिए कि आप एकदम एकदम अंधेरे रूम में जाते हैं। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, क्या आप चीज़ें देखने में सक्षम हैं? आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ें आप उस रूम में मतलब डार्क रूम में देखने में सक्षम हैं? बट वेन यू लाइट अ कैंडल, जब आप एक कैंडल जलाते हैं और टॉर्च या फिर एक टॉर्च जलाते हैं, यू कैन सी, आप देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, जो वस्तुएं रूम में उपस्थित होती हैं वो आप देख सकते हैं, इजिंट इट, है ना? आप देख ही सकते हैं अगर आप एक कैंडल जला दीजिएगा। देखिए, आप अंधेरे में तो नहीं देख सकते, लेकिन आप उजाले में, रोशनी में तो देख ही सकते हैं ना, इजिंट इट? ठीक है, विदाउट लाइट, बिना लाइट के, बिना रोशनी के, थिंग्स कैन नॉट बी सीन, चीज़ें नहीं देखी जा सकती, ठीक है? लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स, हमें रोशनी जो है हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है, ठीक है? द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट, जो टॉर्च बल्ब होता है वो एक वस्तु है, दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, जो खुद से रोशनी देती है, ठीक है? द सन इज अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट, देखिए सन भी है जिसके पास अपनी रोशनी है, जो हमें खुद की अपनी रोशनी से हमें रोशन करती है, हमें उजाला देती है सन, क्योंकि सन एक जलता हुआ आग का गोला है ना, उसमें आग है इसलिए वो रोशनी देती है, ठीक है? मतलब हर वो चीज़ हमें रोशनी देती है जो जो चमकती हुई होती है, ठीक है? जो जो रोशनी पैदा कर सकती है, वो हर वो चीज़ हमें रोशनी दे सकती है, ठीक है? देखिए, द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट ड्यूरिंग द डे, इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, इसकी रोशनी जो है हमें अलाउ करती है चीज़ों को देखने के लिए। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो भी चीज़, जो भी वर्ड डार्क में होगा ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वही हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखो, जो भी चीज़ें खुद से रोशनी देती है ना, खुद से, लाइक सन, तो सन इज़ कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है? देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट, जो एमिट, एमिट का मतलब होता है कुछ निकालना, कुछ देना, खुद में से कुछ देना, एमिट लाइट, तो सन एमिट लाइट करती है, और ऑफ देयर ओन, खुद से करती है ना, आर कॉल्ड ल्यूमिनस, तो हर वो चीज़ जो रोशनी देती है उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है?
तो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? तो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन और टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दीज एंड देन ट्रेवल्स टुवार्ड्स आर आई. ठीक है, तो देखो जैसे पेंटिंग हो गया, चेयर हो गया या शू हो गया, ये सब तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है ना. हम इनको तभी देख सकते हैं जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपना लाइट जो है इन पे देगी, मतलब इन पे गिराएगी. यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, वी सी दीज दीज मतलब वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अ टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दीज, मतलब जब इन पे लाइट गिरेगी और हमारे आँखों में लाइट रोशनी आएगी, ठीक है, देन ट्रेवल्स टुवार्ड्स आर आई, तभी हम इनको देख सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है देखो, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. तो अब हम ये समझेंगे कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है और ट्रांसलूसेंट क्या होता है. ठीक है, तो देखो, रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर. देखो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. देखो ओपेक क्या होता है, जो अपने में से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देती. ट्रांसपेरेंट होता है जो अपने में से लाइट को क्लियरली पास होने देती है. और ट्रांसलूसेंट होता है जो खुद में से लाइट को पार्शियली पास होने देती है. मतलब पार्शियली मतलब अगर एक एक आप अगर मान लीजिए एक कागज़ के ऊपर, एक पेपर के ऊपर अगर आप तेल अगर गिरा देंगे ना, तेल मतलब ऑयल, तो वो ट्रांसलूसेंट एरिया बन जाएगा जिस एरिया पे तेल गिरा हुआ होगा. ठीक है, तो सी, रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4. इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर हम चीज़ें नहीं देख सकते, ठीक है, एट ऑल बिल्कुल भी, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. मतलब मान लो कि एक पूरी बुक है, मान लो कि एक पूरी बुक है, तो क्या बुक के आर पार लाइट पास हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, बुक के अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती. या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो खुद में से लाइट को पास नहीं होने देती, लाइक टेबल, चेयर, बेड, मतलब मैनी, देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइक दैट. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम पर्पस. इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज़ ट्रांसपेरेंट. देखो यहाँ पे बात आ गई ना, जो क्लियरली लाइट को पास होने देता है खुद में से, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. जो बिल्कुल भी नहीं होने देता उसको ओपेक कहते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज़ ट्रांसपेरेंट. ठीक है, अब ये देखो, ट्रांसपेरेंट भी क्लियर हो गया, ओपेक भी क्लियर हो गया. अब अगला पढ़ते हैं, देर आर सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट. मतलब ऐसे कई तरह के देखे होंगे आपने, शीशे भी आते हैं जिसके थ्रू हम ना, मतलब ट्रांसलूसेंटली हम देख सकते हैं, मतलब क्लियरली तो नहीं, शीशे होते हैं ना खिड़कियों में लगे होते हैं. तो यहाँ पे लिखा है, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स, मतलब कई तरह की वस्तुएं होती हैं थ्रू विच वी कैन सी, देख तो सकते हैं हम जिसके थ्रू, बट नॉट वेरी क्लियरली, इट मीन्स पार्शियली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट. ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक आप समझ गए होंगे. आगे पढ़ते हैं, देखो एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे, लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने चारों ओर अपने आसपास देखो. ठीक है, एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एंड यू कैन, और चीज़ें इकट्ठा करो जितना तुम कर सकते हो. लाइक एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल. जैसे इरेजर होता है ना, इरेजर मतलब रबर जो होता है मिटाने वाला, प्लास्टिक स्केल, पेन,
पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लोथ, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। देखिए इसमें लिखा है ट्राई टू लुक, मतलब देखने की कोशिश करो, एट समथिंग फार अवे, कुछ दूर, थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, मतलब इनके आर पार। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आइज थ्रू एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, मतलब देखो, मतलब ये सारी चीज़ें ना ओपेक बॉडी है। अगर बात करें इरेजर की या प्लास्टिक स्केल की, ठीक है, शीशे का नहीं है, ध्यान रखना, प्लास्टिक स्केल की बात हो रही है ना। पेन अगर शीशे का होगा तो हम देख सकते हैं आर पार। पेंसिल तो कभी शीशे का होता नहीं है, लेकिन आजकल कुछ हो आ गई हैं जो फाइबर के बने होते हैं ना, जो आर पार देख सकते हैं हम। नोटबुक, सिंगल सीट ऑफ पेपर से भी नहीं देख सकते, अनटिल अगर आप इस पे ऑयल गिरा दें तो आप पार्शियली आप देख सकते हैं। तो पार्शियली जिससे देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट, है ना। तो लाइट फ्रॉम अवे अफार अवे ऑब्जेक्ट्स एबल टू ट्रेवल टू योर आइज थ्रू एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। अभी देख लेंगे टेबल को क्या है, ठीक है। देखो, वी सी डैट अ गिवन ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट। देखिए, वी सी डैट, हम देखते हैं अ गिवन ऑब्जेक्ट्स, दिया हुआ वस्तु और मटेरियल, थिंग्स जो होती है, चीज़ें होती हैं, कुड बी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसलूसेंट हो सकता है। देखो, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध पारदर्शी, और ओपेक को क्या बोलेंगे हिंदी में, जिसमें से चीज़ें बिल्कुल पास नहीं, अपारदर्शी कह लो, अपारदर्शी है ना, जिसके थ्रू हम चीज़ें नहीं देख सकते। तो ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शियली और नॉट एट ऑल, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मतलब ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शियली और नॉट एट ऑल, ठीक है। तो देखो, मतलब अब समझ में आ गया होगा कि चीज़ें तीन तरह की होती हैं, जैसे या तो ओपेक बॉडी होगी, या फिर ट्रांसपेरेंट बॉडी होगी, या ट्रांसलूसेंट बॉडी होगी, ठीक है। अगर रोशनी को पूरी तरह पार करने देती हैं वस्तुएँ तो ट्रांसपेरेंट, अगर बिल्कुल भी नहीं पास करने देती तो ओपेक, और अगर पार्शियली पास करने देती है तो हो गया ट्रांसलूसेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, शैडोज़ मतलब परछाई, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, देखो शैडोज जो है ना वो या तो ट्रांस ओपेक नहीं है, ओपेक बॉडी बना देगी, या फिर मेरे ख्याल से ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट तो नहीं बनाएगी। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। Now one by one hold each of the opaque objects in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. अब आप समझ गए होंगे, देखो अब मैंने कहा था ना कि opaque body ही बनाती है shadow, ठीक है। यहाँ पे लिखा है one by one होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, क्या आप देखते हैं ग्राउंड के ऊपर। यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो, समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो, ठीक है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट, होल्ड अ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to, देखिए spread a sheet of paper on the ground, एक जो है paper का एक sheet, यानी paper का एक sheet जो है spread मतलब फैलाना है ground के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, और hold a familiar opaque objects at some height, ठीक है। पकड़ना है एक फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब अपारदर्शी वस्तु को ग्राउंड से कुछ ऊपर,
ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड, ताकि इसका शैडो बन सके, ठीक है, परछाई बन सके, ऑन द सीट ऑफ पेपर, सीट ऑफ पेपर पे बन सके, ठीक है, ऑन द सीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ। अब बोल रहा है कि आपने एक फ्रेंड को कहो ड्रॉ करने के लिए, क्या ड्रॉ करने के लिए कहो, द आउटलाइन ऑफ द शैडो, आउट शैडो का आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, जब आप वस्तु को पकड़े हुए हैं, ठीक है, ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शैडो ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है दूसरे वस्तु का शैडो ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, इन अ सिमिलर वे, उसी तरीके से। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ द शैडो। अब बोल रहा है कि अपने दूसरे दोस्तों को बोलो कि शैडो को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस वस्तु की शैडो है, मतलब जो ड्राइंग की ना हमने सीट ऑफ पेपर पे शैडो की, उसको पहचानने के लिए बोल रहा है कि आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शैडो, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, मतलब कितने चीज़ों को, कितने ऑब्जेक्ट्स को, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर दे आर एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, मतलब सही तरीके से वो लोग आइडेंटिफाई करने में सक्षम हैं, एबल हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट। देखिए बिना लाइट के तो शैडो बन नहीं सकता, इसीलिए बोल रहा है कि डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट, डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज, Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? अब बोल रहा है कि मान लीजिए कि सिर्फ एक ही सोर्स हो, ठीक है, इन अ रूम। देखिए जब तक बॉडी पे, जब तक ओपेक बॉडी पे लाइट नहीं पड़ेगा, जब तक तो शैडो बनने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम, इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। देखिए हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और एक ओपेक, मतलब दो चीज़ें अगर होगी ना, ओपेक बॉडी और सोर्स ऑफ लाइट, तो आप शैडो डेफिनेटली देख सकते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, अब बोल रहा है कि क्या और किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब एक्टिविटी थ्री पर हो, देखो मेरे हिसाब से तो और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर ओपेक बॉडी है और लाइट है, तो लाइट अगर ओपेक बॉडी पे पड़ेगा तो शैडो बन ही जाएगा, ठीक है। अंधेरा नहीं होना चाहिए, अंधेरे, देखो सोर्स ऑफ लाइट होगा और ओपेक बॉडी होगी तो अंधेरा का तो कोई सवाल ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी थ्री, देखो दिस इज़ एन एक्टिविटी डैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क, ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जिसको अंधेरे में ही करना होगा, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम में, गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स, शाम को जाइए अंधेरे में, ओपन ग्राउंड में जाइए दोस्तों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ, टेक अ टॉर्च एंड अ लाइट, एक टॉर्च लीजिए एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू, कार्डबोर्ड लीजिए साथ में, होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड, टॉर्च को होल्ड पकड़ना है जमीन के नज़दीक, Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building or any, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। देखिए आपको टॉर्च को ज़मीन पे रखना है और उसको जलाना है ताकि उसकी जो रोशनी है वो आपके दोस्त के चेहरे पे पड़ सके। आगे है यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, अब आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज़ फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जो ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, मतलब फ्रेंड का चेहरा तो ओपेक ऑब्जेक्ट ही है ना, उसके थ्रू रोशनी थोड़े पार कर जाएगी। तो इफ़ देयर वर नो ट्रीज, अगर मान लीजिए कि कोई पेड़ ना हो, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, तो मान लीजिए कि आपके दोस्त के पीछे ना तो बिल्डिंग हो, ना कोई पेड़ हो, एनी अदर और कोई दूसरी वस्तु ना हो आपके दोस्त के पीछे, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड हेड,
देखिए तीसरी चीज़ है कि एक अनदर बॉडी भी होनी चाहिए, मतलब ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है ना कि एक ओपेक बॉडी, एक एक लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट और एक एक बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब ओपेक बैकग्राउंड ही होना चाहिए तभी शैडो क्रिएट होगा। तो ये हमें बोल रहा है कि इफ़ देर वर नो ट्रीज बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड सेड दिस डजंट मीन दैट देर इज़ नो शैडो। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि शैडो नहीं है, शैडो तो है लेकिन हमें वो दिखेगा नहीं। आफ्टर ऑल द लाइट, देखिए दैट देर इज़ नो शैडो आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि शैडो नहीं है, बस वो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब ये मान लो कि शैडो तो बन रहा है लेकिन ड्यू टू, मतलब तुरंत ही उसके बाद कोई ओपेक बॉडी नहीं है इसलिए उसका हमें शैडो नहीं दिखेगा। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू द हिज बॉडी टू द अदर साइड नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड सीट बिहाइंड योर फ्रेंड इज़ द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड सीट दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम। देखिए शैडो कैसे बन रहा है कपड़े पे, देख रहे हैं ना, ये शैडोज ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं, अ बिल्डिंग और अदर सच सरफेसेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शैडो यू ऑब्जर्व इन एवरी डे लाइफ। ठीक है, तो हमें एक बॉडी तो चाहिए। देखिए जब भी लाइट पड़ेगी और लाइट पड़ेगी ओपेक बॉडी पे तो हमें इमीडिएटली शैडो देखने के लिए एक इमीडिएट ऑब्जेक्ट चाहिए जो जस्ट बिहाइंड द ओपेक बॉडी, जस्ट बिहाइंड द ओपेक बॉडी हो और ताकि उस पर रोशनी पड़े तो हम उसका शैडो देख सकें। ठीक है, ओपेक बॉडी पे जब रोशनी पड़े तो हम उसका शैडो देख सकें। आगे है, देखो शैडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, समटाइम्स शैडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इन फिगर 11.4 देखो आप, हाथ को जानवर की तरह दिख रहा है ना, तो हमें मिसलीड भी कर सकता है शैडो। ठीक है, मतलब हमें ये लग सकता है कि शैडो जो है एक बकरा है या फिर भेड़ वेड़ लग सकता है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो शैडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, समटाइम्स शैडो कैन मिसलीड, मतलब हमें भ्रमित कर सकता है अस अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। आर अ फ्यू शैडो दैट वी कैन क्रिएट विद आर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडो ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, हैव फन। ठीक है, आर अ फ्यू शैडो दैट कैन क्रिएट इन फिगर 11.4 आर अ फ्यू शैडो दैट वी कैन क्रिएट विद आर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडो ऑफ डिफरेंट शैडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, हैव फन। ठीक है, तो अब हम आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर स्टडिंग विद मी एंड प्लीज़ बी ऑलवेज विद मी। वी और हमारा एक अनदर चैनल भी है बिहाइंड द क्लास। ठीक है, तो हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करो, उस पर हम लोग मज़े करेंगे खाली टाइम में बिहाइंड द क्लास, क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है, तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और देखो एक चीज़ और, देखो हमने इस वीडियो में अभी तक देखो जो जो चीज़ पढ़ा, देखो हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बारे में पढ़ा, ओपेक बॉडीज़ क्या होती है और हमने पढ़ा शैडोज़ क्या होता है, मेनली तो हमने यही चीज़ें पढ़ी और तो कुछ खास पढ़ा नहीं। और आप अगर बढ़िया से समझना चाहते हैं तो दो तीन बार इस वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ, कोई कमी रह गई होगी तो आप बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर में उस कमी को दूर कर सकूँ। ठीक है, देखो ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई जो है ना मिलजुल के होती है। अगर मैं आपका टीचर हूँ तो आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे इम्प्रूव करने के लिए इंस्टिगेट करो। ठीक है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।